अब की बार एक ही सपना बहरोड नंबर वन हो अपना। बहरोड की पहचान आपका भाई पलवान। काम किया है काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बहरोड में दो दिन से हो रही हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा पर सवालिया निशान उठाए और कोहराना गांव में भी एक किसान परिवार की भैंस मरने का मामला भी उठाया। पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश है। नहीं देखिए, गांव तो मेरा पूरा अलवर और पूरा प्रदेश और पूरा देश है, लेकिन जिस प्रकार का ये भ्रष्टाचार के पैसों से अपनी महिमा मंडल करने का, मैं मानता हूं कि जिसके पास बहुत अधिक इस तरह से भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति अपने आप में ही पागल हो जाते हैं और वो तरह तरह की इस प्रकार की हरकतें करने लगते हैं जिसमें समाज अस्ता है। और उसी प्रकार से इन लोगों ने जिस प्रकार से बहुत अथाक रूप से भ्रष्टाचार का पैसा कमाया है, अब वो पैसा हजम इनसे हो नहीं रहा है और इस प्रकार से हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अपना महिमा मंडल करने का ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये समाज इन सबको देखता है और समाज को हंसी भी आती है ऐसे लोगों पर। और समाज इस बात के लिए भी चिंतित है कि कैसे किस प्रकार की कहां त्रुटि रहेगी, जैसे ऐसे व्यक्तियों को कोई ये स्थान मिल गया, लेकिन समाज उसको दुरुस्त भी करेगा। लेकिन ये बात सही है कि देखो पशुधन है, उसको इतना ध्यान, पशुधन को क्या पता ये किस चीज़ की आवाज़ है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से ये सही है कि किसी भी तरह का एकदम से जो कोई आवाज़ होती है, इतनी लो हाइट पर जिस प्रकार से गाँव के लोगों ने बताया कि फ्लाइंग की जा रही है, पशु पक्षी है, पक्षी है, मोर है, उनको भी बड़ी परेशानी हुई है। बहुत से लोगों के बताया गया कि शाम को पशुओं ने दूध भी नहीं दिया इसके कारण। तो ये मैं मानता हूँ कि प्रशासन जिस प्रकार से आज कांग्रेस के इशारे पर नाचता है, कांग्रेस के विधायकों के इशारे पर नाचता है, प्रशासन केवल आज इन विधायकों के कार्यों में लिप्त है, इनके भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है और इनके साथ इनकी ठेकेदारी करने का काम आज प्रशासन कर रहा है कि इनके इशारे पर अवैध रूप से ज़मीनों को कब्जे करवाना, अवैध रूप से ज़मीनों को खाली करवाना। ये लोग बड़ा पैसा इन चीज़ों में कमा रहे हैं, खा रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह आप देखेंगे लूट खसोट जारी है और इनको कोई असर नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान केवल, क्योंकि विनाश काले विपरीत पुतिन का ध्यान केवल पैसा कमाने पर और किसी काम पर नहीं है। विनायक हॉस्पिटल कृष्णा टाकीज के पास कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सतमासे और अठमासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में आज दूसरे दिन भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा जारी रही। कल पहले दिन 60 गाँव में पुष्प वर्षा की गयी थी, वही आज अंतिम दिन शेष बचे गांवों में पुष्प वर्षा की गई। भाजपा जिला अलवर उत्तर 44 जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने और प्रथम स्थान आने पर झुंझुनू में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक में बलवान सिंह यादव को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया रहटाकर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। बलवान सिंह यादव की इस सम्मान पर नीमराणा में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर यादव का साफा और फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर स्थित यशवंत स्कूल में 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्र फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री टीकाराम जूली का स्वागत भी हुआ।
जीपीएस स्कूल में 3 दिवसीय एथलेटिक और स्पोर्ट्स मीट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसएफ निरीक्षक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भागीरथ यादव रहे। इस दौरान स्कूल में कबड्डी, खो खो, लंबी कूद प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर स्कूल चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्राचार्य योगेश शर्मा, सुमेर सिंह सहित समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। बहरोड़ की गांव नारेड़ा कला के नीरज शर्मा ने विगत दिनों ईमानदारी का परिचय देते हुए बैंक द्वारा गलती से दिए गए 1,00,000 रुपए अतिरिक्त वापस लौटा दिए। उनकी इस ईमानदारी की सभी समाज के लोगों ने तारीफ भी की। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद बहरोड़ इकाई के द्वारा उनका माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इस मौके पर केशव शर्मा, सुनील शर्मा, रामकिशन शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार। बहरोड की सोतानाला स्थित RPS इंटरनेशनल स्कूल में बाल दिवस कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान अनेक पकवान और चाट की स्टाल भी लगाई गई, जहां पर हर कोई व्यंजनों का लुफ्त उठा रहा था। खास तौर से घुड़सवारी, ऊंट सवारी, झूले का छात्र आनंद ले रहे थे। बाल दिवस से पूर्व अपने RPS बहरोड कैंपस में एक बाल मेले का आयोजन किया है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को, मेरी प्रिंसिपल को और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सारा दिन जब पढ़ते हुए रहते हैं तो देखिए उनको टाइम नहीं मिल पाता है अपने पेरेंट्स के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। और मैं समझती हूँ कि इस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ फूड को भी इंजॉय करेंगे, राइड्स को भी इंजॉय करेंगे और वो म्यूज़िक को भी इंजॉय करेंगे। तो ये स्पेशली हमारे यहाँ पर आयोजन बच्चों के लिए किया गया है और मैं प्रिंसिपल मैम को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस आयोजन के लिए। पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे। थैंक यू। ग्रुप की जो चेयरपर्सन मैम है डॉक्टर पवित्रा राव, उनके विज़न बहुत बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उनका विज़न यही था कि हम अपने बच्चों को और पेरेंट्स को ये टाइम दें कि जहाँ पे वो अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिससे कि हर दिन में वो बिज़ी रहते हैं पेरेंट्स ऑफिस में, मदर कुकिंग में और बच्चे स्टडी में, लेकिन कम से कम उनके लिए एक दिन तो ऐसा हो जहाँ पे वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और हमारा मोटो भी यही है और जो शायद हम सक्सेस कर लेंगे। और आज के आयोजन में हमने फूड स्टॉल रखे हैं, कुछ राइड्स हैं और कुछ गेम प्लान किए हैं। और नेचर को रिप्रेजेंट करते हुए हमने, राजस्थान में है हमारा स्कूल, तो हमने कैमल कार्ट और हॉर्स राइडिंग दोनों रखे हैं, जिससे बच्चे का जो लव एंड अफेक्शन है एनिमल्स के साथ भी। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।